हमारा नेक्स्ट स्ट्रिंग मेथड है इज टाइटल, और इसका सिंटैक्स है स्ट्रिंग डॉट इज टाइटल। और ये एक्चुअली क्या करेगा कि आपके स्ट्रिंग अगर टाइटल वाले केस वाला स्ट्रिंग है ना तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। अब टाइटल वाले कौन से होते हैं, हम जो कोई भी अगर किसी बुक का या किसी चीज का टाइटल रखेंगे ना तो हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक बुक का नाम है पाइथन प्रोग्रामिंग, तो उसका पाइथन प्रोग्रामिंग इस तरह होना चाहिए टाइटल के, ये दोनों पहले कैपिटल होने चाहिए। अगर पी छोटा लग जाए तो ये एक टाइटल नहीं हुआ, ठीक है। टाइटल के सारे वर्ड्स के फर्स्ट लेटर्स कैपिटल होते हैं, ठीक है। तो ये आपको चेक करके बताएगा कि टाइटल कैसे स्पेस्ड है या नहीं है। तो मैं एक एस वन ले लेता हूं कि दिस इज ए टाइटल, ठीक है। और एस टू में लिखता हूं कि this is not a title, even though मैंने बाकी सारे किए लेकिन NOT सारे बड़े कर दिए तो इसको false कर देगा, ये title नहीं है, ठीक है। और S3 में ले लेता हूँ, let's say this title, ठीक है। S4 लेता हूँ, 99 is a title, और S5 भी ले लेता हूँ एक, इसमें मैं पूरा पाइथन लिखता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे इतने स्ट्रिंग हो गए, और इनको हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट हमारा S1, और यहाँ पे मैं जस्ट वो प्रिंट कर लेता हूँ कि इस टाइटल है या नहीं, तो S1 dot is title, ठीक है। और ये मैं सबको प्रिंट करना चाह रहा हूँ, तो हमारे पास पांच है टोटल, और ये 2, 3, 4, 5, और सेम गोज फॉर दिस। तो अब अगर आप देखें कि दिस इज द टाइटल, इसने ट्रू दिया क्योंकि हर लेटर के फर्स्ट हर वर्ड के फर्स्ट लेटर कैपिटल है, and this is not a title, इसको इसने पास दे दिया क्योंकि NOT सारे कैपिटल हैं, इसको सिर्फ पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए था, और ये ट्रू दिया क्योंकि इसमें हर लेटर के हर वर्ड के फर्स्ट लेटर कैपिटल है, और इसमें भी कैपिटल है तो ट्रू दिया, इसमें सारे कैपिटल हैं इसलिए फॉल्स दिया। तो ये मे बी आप किसी आपके पास बुक्स के लाइब्रेरी में आप कोई काम कर रहे हैं वहाँ पे आपको टाइटल्स चेक करने ठीक है या नहीं, या कहीं पर भी आप जरूरत पड़ सकते हैं तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपका कोई टाइटल है या नहीं है, चेक लगा सकते हैं।